हाय फ्रेंड्स, मैं ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली से, जो कि हम बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स पे काम करते हैं। हम लोग सेल का काम है, हमारा कंपनी दिल्ली में है, हमारी ऑफिस ऑटोलॉजी इंडिया, www.autologyindia.com। ये हमें आपके सामने लॉन्च का पायलट स्कैन, जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही कम प्राइस में इसको रखा गया, कंपनी ने 40,000 रुपये का प्राइस रखा हुआ है और ये देख रहे हैं ऑन हो रहा है। कैसे अभी पता चलेगा कि हमारा एक इंडियन वर्जन है और मारुति महिंद्रा टाटा हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर पूरा कंपनी का। तो ये आपका ऑन हो गया है और ये सारे खुल गए, आप देख सकते हैं। इसके टच और कीपैड दोनों ऑप्शन है, ये थोड़ा सा बेहतर किया इन लोगों ने। और पहली बार लॉन्च ने फिर थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि केबल के तरफ जा रही है और ये डिवाइस केबल पे निकाली है। ये कैरी बैग है, आपको कहीं भी लेके आप जा सकते हैं इसके अंदर रख के। तो ये शार्प थोड़ा सा ऑन हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेंगे। चलिए हम डायग्नोस में जाते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। और ये देखिए पूरी गाड़ियाँ इन लोगों ने दे रखा है। टच का ऑप्शन है, ये है कि टच आपका ख़राब भी होता है तो कीपैड से आप काम कर सकते हैं। ये देखिए अपडेट्स है, अपडेट्स में जाते हैं, यहाँ मारुति महिंद्रा टाटा आपको दिखेगा। अभी हम अपडेट इनको नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यू पीस है और कस्टमर जब परचेज करने आता है तब अपडेट किया जाता है, वहाँ से 1 ईयर अपडेट्स स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए 1 साल के बाद अपडेट के बाद ये है कि स्कैनर में जितनी गाड़ियाँ होती हैं ये आपके मेमोरी में लोड हो गया, तो ये गाड़ियाँ स्कैन कर सकते हैं लाइफ टाइम स्कैन, जब तक आप बचा के रखिए इसको। और इसमें देखिए रीसेट करने का भी ऑप्शन दिया है, जैसे कुछ भी रीसेट करना हो, सर्विस रीसेट करना हो, पावर स्टेयरिंग का कैलिब्रेशन करना हो, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए टूल परचेज करना ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि जहाँ से आप टूल परचेज कर रहे हैं, जिनसे परचेज कर रहे हैं, क्या उसमें टेक्निकल सपोर्ट के लिए बंदा है या नहीं, क्या वो नॉलेज से रिलेटेड बंदे हैं या नहीं। तो टूल तो बहुत लोग देते हैं, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको वही सब काम आना है। ये देखिए ये अभी मीटर वैक करने का टूल्स है, मीटर वगैरह ओडोमीटर करेक्शन के टूल्स हैं ये आपका। ये के टैग बहुत ही फेमस है जो ईसीएम प्रोग्रामिंग करने से रिलेटेड है। सारे टूल्स आप हम डील करते हैं, सारे टूल्स में डील करते हैं और खासियत ये कि सारे टूल्स का एक हम लोग ट्रेनिंग भी रखते हैं, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग भी आपको ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग लीजिए, सपोर्ट भी रहता है अपना। तो महिंद्रा टूल हुआ, की प्रोग्रामिंग टूल हुआ, ये बहुत ही फेमस टूल है और ये भी आपका बहुत ही फेमस टूल है, आपका ओबीडी स्टार 100 वो सब की प्रोग्रामर्स हैं। और ये केबल ट्रैकर है जो आजकल इंडिया में बहुत ही धूम मचा रखा है, ये भी आपको हम रखते हैं। ये ओडिश वास करके है आपका, और लॉन्च के जो प्रो 3 आता है, प्रो 3 भी आपको मिलेंगे सारे स्टॉक्स, इंडियन वर्जन है, ये नहीं कि आपका चाइनीज़ वर्जन है, और ये आप देख सकते हैं इंडियन है। तो ऐसे तो सारे टूल्स जो भी है आपको वारंटी सपोर्ट सारी चीज़ें होती हैं। सपोर्ट मतलब ये होता है कि देखिए जब परचेज़ करते हैं तो बंदा कितना नॉलेज रखता है, गाड़ी की ईसीएम बदलना हो, मारुति का ईसीएम प्रोग्राम कर रहे हैं, चाबी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये फंक्शन का नॉलेज कौन देगा। तो हमारे तरफ से क्या होता है, एक सपोर्ट रहता है, फ़ोन करके आप उस टाइम उसको चेंज करवा सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना चलता है, ऐसा नहीं है जब भी कोई कस्टमर परचेज़ करता है उससे पहले 1-2 क्लाइंट 4 क्लाइंट हमारे लेके बात भी कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, वेरीफाई करने के लिए, इससे पता चल जाता है कि हाँ सच में इनकी बातों में दम है। तो देखिए बेचना और ख़रीदना ये काम नहीं आता, काम वही आता है कि आपने जहाँ से लिया आपका काम आपका नॉलेज आपको ऊपर इंक्रीज करते हैं, वही आपके पॉकेट में आएगा, वही आपको ऊपर उठाएगा। नहीं तो यहाँ तो मार्केट में हिंदुस्तान के अंदर 3 साल 2 साल 4 साल लोग टूल चला रहे हैं, आज तक उनको पता ही नहीं है कि मारुति 2012 के ईसीएम चेंज करने के रूल रेगुलेशन क्या हैं या कैसे चेंज करते हैं। उनके अंदर फंक्शन दिया हुआ है लेकिन क्या वो ठंडे बस्ते में सिर्फ रीड फॉल्ट करते हैं, क्लियर फॉल्ट करते हैं और चुपचाप रख देते हैं। तो देखिए यही मायने, आप नहीं चेंज करेंगे आपके पॉकेट में नहीं आएगा, वही आपके पड़ोसी कर देगा, आप कहेंगे हमारे टूल में वो काम ही नहीं हो पा रहा है या दूसरे टूल में हो रहा है, फिर कहेंगे चलो जी जी स्कैन लो उससे हुआ हमारे से नहीं हुआ, ये कन्फ्यूज़न आपके माइंड में बनी रही। देखिए कोई भी टूल हिंदुस्तान का उतना ही काम करता है, सारे टूल करते हैं, बस ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जी स्कैन की तारीफ बहुत करते हैं लोग, ऐसा नहीं हिंदुस्तान का कोई टूल नहीं जो सारा काम करके दे। अगर आपको सारे टूल, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं ये टूल खरीदना चाहता हूँ सर तो सारे चार की प्रोग्रामिंग कर देगा, मैं बोला ऐसा कोई टूल ही नहीं की प्रोग्रामिंग सारी गाड़ी वो कर दे। तो देखिए कोशिश करना चाहिए कि कस्टमर को सही बताएं, ज़मीनी लेवल पे कितना काम करता है ये कोशिश करता हूँ मैं बताने की, बाकी लेना हो जो भी ले तो कौन करेगा, वो लोग करेंगे जो सारे टूल्स में डील करते हैं, ज़्यादातर वो लोग बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको सब बेचना कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोलेंगे मिल जाएगा। और एजेंटों से सेल्स वालों से बात करेंगे या ऐसे जगह बात करेंगे जो एक ही कंपनी का टूल में डील करता है सिर्फ, तो वो क्या अपने टूल की तारीफ करता रहेगा, बाकी की बुराई करना शुरू कर देगा, कहेगा हमारे में ये सब होता है बाकी किसी। तो देखिए क्या है, वहाँ पर कस्टमर के साथ थोड़ी चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं,
तो चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए कभी भी कोशिश करें कि पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें टूल का। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे भी कॉल करके डिसीजन ले सकते हैं और एक हम कोशिश करेंगे कि आपको सही गाइड करें। बाकी तो हमारे पास सारे टूल्स होते हैं, तो चीप एंड बेस्ट और सोल्यूशन भी देना ज़रूरी है लोगों को कि भाई काम तो करता है टूल लेकिन सस्ता और बढ़िया होना चाहिए कस्टमर के लिए, ताकि काम ज़्यादा और फ्यूचर को देखते हुए पता चले कि आज टूल ने ये फंक्शन दिया हुआ है, 2 साल के बाद कंपनी ने वो रूल रेगुलेशन चेंज किया, अपने मोबिलाइजर में चेंजिंग किया, वो फंक्शन इसके अंदर गया, फिर नया टूल मार्केट में आया, अब उसके पीछे आप पड़ गए। तो आपके साथ तो यही होता रहेगा पूरी लाइफ। तो आप उसके लिए कुछ ऐसी तैयारी कीजिए कि चीप एंड वेस्ट हो, अगर कुछ चेंजिंग भी होता है तो आपके लॉस ना हो, मार्केट से पैसा रिकवरी कर लें। तो ये सारी चीज़ें देखना चाहिए, पैसे के ऊपर नहीं और महंगे टूल के ऊपर ज़्यादा कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।